भारतीय सेना के कमांडो द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में एक जेसीओ, दो जवान एवं एक जवान के पिता के शव बरामद हुए हैं। ये सभी कल सुबह की प्रारंभिक मुठभेड़ में कैजुअल्टी हो गए थे। इस प्रकार अब तक कुल 6 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें से 2 जेसीओ, 3 जवान एवं 1 सिविलियन शामिल है। इसमें 10 लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें से 6 महिलाएं इंक्लूडिंग एक प्रेग्नेंट लेडी एवं एक बच्चा शामिल है। भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने रात भर जख्मी लोगों को बचाने का काम किया तथा गर्भवती महिला जो गनशॉट वुंड से घायल थी उसका सिजेरियन ऑपरेशन कर किया, जिसमें एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। अभी महिला एवं बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। एक 14 वर्षीय लड़के के सिर पर गंभीर चोट लगी है और वो गंभीर हालत में है। अभी तक बचाव एवं सर्च ऑपरेशन जारी है।